यात्री आ गया है। क्या काम के लिए तुम लोग आए हो? बेशक तुम्हें यह नदी नदगर किला में कौन ऐसे छत्री को तुमने बांट करके बंसर में रखी है? कोई है बंसर में? बाबू रुदल सिंह है, उसी का छत्री सेना सजा करके नदगर किला पहुंचे हैं। बेशक अगर तुम्हारे पास में भलाई है या इंसल्ट करके तुम्हें लड़की हो तो मेरे बाबू रुदल सिंह का, मेरे भाई का तुमने बात घर के कद घर से आजाद कर दो। बड़ा अच्छा सवाल पूछे हैं आप। हाँ हम तोरे पूछिया हो कि ते मेला से ओकरे लुका के चुरा के ले, अगर तोरे शादी करे के इच्छा थलो तो ते हमरे पात्र लिख के भेजते हैं, तो हमने टीका लिख के भेज देती है और हम डाक से सेना साज के बराती साज के स्कॉर्पियो मोटर गाड़ी जितना होती है उतना हम लेके आती हो, तोरे हम इज्जत प्रतिष्ठा से ले जाती है। ते बता बकरी के तरह तू भे कर रही है, तोरे पास में इज्जत प्रतिष्ठा न हो, ककरे पकड़ के घर में घुसा ली है? कोई अच्छा बात हो? मौलवी साहब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ तो क्या हो आपका क्या कहना है? ते हमने क्या कर ले भैया, क्या कर ले भैया? कुछ नहीं करूंगी, अभी तो सुरवे की हूँ। इतना मार मार बो ने, इतना मार मार बो कि बड़े थे फ्री क्या क्या हमरे ब्रेक फ्री कर दबो। हाँ आज तो ये सब अंडा को गंदा कर दबो हमरे। हाँ एकरे अंडा गंदा कर कर अत्ता मार मार बोल बिस्का दो। क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है। हाँ बोलिए कि ते मेरे बेटा रुदला को कैद घर से आजाद कर दे। अच्छा वही मत तोरे भलाई हो, अन्ना तोरे मारते मारते आज हम देख ले घर का है। कितने रोज के लिए आजाद कर दूंगी? कितने रोज के लिए? सदा के लिए आजाद कर। एक हफ्ता के लिए। एक हफ्ता के लिए? आपने बोले कि मेरे बेटा को खोल करके आजाद कर दो कैद से एक हफ्ता के लिए। मैंने आपके बात को मान ली। अच्छा मैंने रुदल सिंह को खोल करके एक हफ्ता के लिए मैंने आजाद कर दूंगी, मेरी कैद घर तो खाली हो जाएगी, कैद घर में कोई रहेगा नहीं, उसके बदले में मैंने आपको एक हफ्ता बांध करके रखू। क्या? उसके बदले में चाचा जी इसका कहना है रुदल सिंह को एक हफ्ता के लिए हमने आजाद कर देंगे, लेकिन कैद घर तो खाली हो जाएगी, इसका एक हफ्ता के लिए आपको बांध करके वो कैद में रखेगी। किस लिए रखूंगी? आप कहिए किस लिए रखेगी? क्या बात? वैसे आजकल चला है गोभी टमाटर भिंडी रामतोरे सारा चीज का सीजन लगभग आने ही वाला आ गया है। अच्छा सब्जी का एक तो चपा कल गाड़ दूंगी, एक चटाई दे दूंगी, एक छोटी सी झोपड़ी बना दूंगी, एक बदना दे दूंगी, उसी जगह आप चपा कल को चलाते रहिए, साग सब्जी को पटाते रहिए। बात सुन लीजिए, जब तक बाबू रुदल सिंह मेरे नटगर किले में उपस्थित नहीं हो जाएगा, मेरे कैद घर में आ करके नहीं बंद हो जाएगा, तब तक आपको बांध के यही काम करवाऊंगा। अरे मलका चाचा जी तो बात कीजिए, नहीं मंजूर है तो अपना वापस लौट जाइए। चाचा जी वैसे नहीं मानेगी, जब तक इसको धोला नहीं लगेंगे तब तक नहीं मानेगी। ए मलका अब वैसे नहीं होगा, इससे पहले पहले इसको सेवा का जरूरत है, मानो इसको ठीक है। बेशिया तकरी मां के जंघिया खले मार के मार मार साहब जवान में लगाम लगा करके बोलिए, आज तेरे इतना मार मार बन इतना मार मार बो कि जमराज भी वहां सोचने पर मजबूर हो जाए। चाचा जी आप तैयारी हो जाइए। बेशिया चलो तुम्हें तैयार हो जाओ। बोली मारा रमा चेहरा के पिकारी हारा गैया के
जिंदा है आज तो तेरे हम हर चीज के लिए करते सफा हो गया खत्म हो गया। अच्छा ठीक रुक अगर थोड़ा बहुत बचा लो चल होता ना एक आज हम हेलो हेलो मलखा अरे कितना चला वाली राजा सब सुने गजब की बात देखो लीला यव बेसिया के यकन को राया सर होई जाए के ने चले रे काली आजो जो दहिना बगल से दुर्गा माँ अगल बगल से भुतनिया आजो आजो बाबू अरे तेलिया मासान मस्तक भी से शिवजी महाराज का सुमर यहाँ बनाई बाई के दुश्मन के जाई यहाँ बनाई बाई के
सरकार है रे। अरे हम किधर गया रे, इधर दोनों लाइन घूम घूम हो गए रे। मौलवी साहब चलिए चलिए उधर चलिए, मौलवी साहब साइड में रहिए, साइड में मौलवी साहब चलो रे। मौलवी साहब नाश्ता भी कीजिएगा। नाश्ता करा दो। हाँ भूख लगा, जल्दी करा जल्दी करा। चूरा खरा कर दिए, अंडा गोबा कर देते, मर्चेंट भी दे दिए, मर्चेंट। का खाबे सल का खायो ते बोल ना का खाय। अबे त दूध पीवा दूध। अरे हम ओ चूरा फरा खा ते का खाबे मलखा। चले चले जी पहले हम नाश्ता करते कीजिए। हेलो इनको करा देते हैं नाश्ता। ये दूध का मीठ लगा हो गया, जरा साइड हो जाओ तेरे तो दूध दियो। थोड़ा सा तू भी कर ले। मौलवी साहब हाँ आप भी कीजिएगा। हाँ हम वो करा दें नाश्ता। लेकर के आ रही हूँ थोड़ा सा। कौन सा नाश्ता कीजिएगा? अरे अंडा उबाल के दे। मौलवी साहब हाँ गाड़ी आ रही है, हरी झंडी आपको दिखाना है, लाइन क्लियर करना है, गार्ड साहब को गाड़ी निकल जाएगी। बैठ बदलिए। हरी झंडी दीजिए, कहीं गाड़ी रुक ना जाए, चलाते रहिए। भारी के अन्याय देखिए नाटक भारी के बेचाते दुर्गा गे है छैना।
देख ले रहा नहीं स्वामीनाथ, उसी टाइम मैं कह रही थी वहां गोली गट्ठा भाला भरसी तीर तलवार की लड़ाई नहीं चलता है, वहां जादू की खेती होती है। मेरी जादू से सो ग्यारह जादू वाली हो गई है, एक भी सेना को पार पाने के लिए नहीं देगा। चाचा लोगों की बहुत भारी बेइज्जती होगी और बेइज्जती हो रही है। अगर ये संवाद ये सिकवा शिकायत बनारस किला चाचा की गांव पर चले जाएंगे, हमारे चाचा सर उठा के किसी से जवाब नहीं। ठीक है रानी, मैं एक बार चाचा जी से पूछ करके उसको भेज देते हैं जी। आप लोग जाइए, जैसे भी करना हो हम कर देंगे। बाबूजी चाचा जी चाचा बुझा के यहाँ से भेज दीजिए, हम लोग किसी प्रकार से निपट लेंगे। मलखान सिंह, मलखान सिंह, हाँ काका है समझ गई चाचा जी। यहाँ पर आप लोग को चलने के लिए नहीं देगी वो जाती, हम चाहते हैं आप लोग जाइए, मेरा भाई है, हम खुद फैसला कर लेंगे जैसे भी। भाई साहब, चाचा जी और हम सरकार जी, हम जा रहे हैं, वो बेसिया पार पाने के लिए नहीं दे रही है, लेकिन जब तक भाई से को छोड़ा करके नहीं वापस आएंगे तब तक मैं आशा ही आते रहेंगे। भाई साहब मैं जा रहा हूँ। ठीक है मलखान सिंह, तुम लोग जा सकते हो। चलो दीवानो मलखारे सर लौट गई मलखारे रानी। हाँ साहब जी, वो हरमजादी तो अब किसी को पार पाने के लिए नहीं देती है। हम भी चाचा जी ने मुझे पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया, मैं भी राजनीतिक से कम नहीं हूँ। अब मेरा राजनीति कुछ काम करेगा तो मैं अपना राजनीतिक चालू करता हूँ। जब तक हरमजादी को मैं अपने भाई को छुड़ा करके नहीं राज महोबा ले जाएंगे, तब तक हम सुखचैन का सांस नहीं लेंगे। देवर से मैंने वादा की थी कि देवर मैं बहुत जल्दी लौट के चली आऊंगी, बंसार में देवर इंतजार करता होगा, यही कहते होंगे कि भाभी ने मुझे छोड़ के चला गई, अभी तक भाभी लौट कर नहीं आई है। देवर मेरी राह को ढूंढता होगा, तरपता होगा बंसार में। चलिए स्वामीनाथ, जिस बंसार में मेरे देवर बांधा हुआ रो रहा है उसी बंसार को और ले चलती हूँ, ताकि अपनी नजरों से देख लीजिएगा, भाई से मुलाकात कर लीजिएगा। वो बात तो बिल्कुल सही है कि मेरा भाई बंसार में तरपता होगा। मेरा यहाँ दिल कचक रहा है कि मेरा भाई को क्या नतीजा होता होगा। अब मैं जा रहा हूँ, किसी तरह बंसार मुझे पहुंचने का देर है, फिर मेरा देख कमाल। मैं रुद्र सिंह अगर शादी नहीं किया होगा तो बहुत उपाय, अगर नहीं भाई जबरदस्ती शादी कर दिया होगा तो मेरा वहां कोई बस नहीं चलेगा। ठीक है चले चले सुनिया दारिया डगरिया स्वामी आइए डायरेक्ट अगर वार करते तो हरमजादी भाग जाएगी। हम लोग करके छुप कर रहना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं है,
शायद पता चल गया कि वो हरम जाती दोनों आ रहे हैं, रुद्र सिंह को छुड़ा कर कहीं और मंसार में डाल दिया। इसी मंसार में देवर हमेशा बांधा रहता था, आज नहीं देख रहे मंसार खाली पड़ा हुआ है। वो हरम जाती चालाक है, सेना लोग को देखते हुए उन्होंने मंसार को चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। खैर कोई बात नहीं शामिल, जब पहुंच गई हो तो जुगनी से काम ले लीजिए, छिप कर इसी राज दरबार में बैठती हूँ, आप भी बैठ जाइए, देवर को लेकर वो जरूर मंसार में आएगी, छिप कर सारी राजनीति आप देखते रहिए कि शोभिया कहाँ से राजनीतिक शुरू करता है और किस जगह खत्म करती है। अगर रानी ने राजनीतिक शुरू किया है तो हम अंत भी करेंगे, उसकी सुराग की जब तक पता नहीं चलेगा तो अंत नहीं होगी शामिनाथ। और अपने हिसाब से ठीक है, अपने हिसाब से आप सारा वातावरण कर लीजिएगा, किसी प्रकार से देवर को लेकर चले जाएंगे। चलो लो राजा
बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजा मेरे नटकर किला आया था मुझसे युद्ध करने के लिए। सभी के सभी यहाँ से हार मार करके चला गया है, कोई लौट करके नहीं। मेरे राज महबा का सेना कभी हार नहीं मानता है। तुम मेरे राज महबा का सेना के बारे में बोल रही है कि हमसे हार मान करके चला गया है। हार का नाम ले लेंगे तो बाबू रुद्र सिंह हमसे शादी कर लेंगे। मेरे राज महबा का सेना कभी हार नहीं मानता। सभी के सभी हार मान करके चला गया है। ये तुम्हारी झूठ है, झूठ नहीं है, हकीकत है। अगर अभी भी हकीकत रहता वैश्य तो मेरे भाई हमसे मुलाकात करे हो, अगर नहीं वापस लौट करके जा सकता। अभी मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तुम मुझसे शादी कर ले, मैंने तुम्हारी जिंदगी को संवार दूंगी। वैश्य शादी के लिए तुम्हारी आत्मा तरफ तरफ करके मर जाएगी, मैं तुम्हारी साथ शादी नहीं कर सकता। मुझे क्या तरफ आएगा, तू खुद तरफ तरफ करके मर जाएगा। मुझे तरफने से कोई मतलब नहीं है बेशिया, लेकिन तुम्हारी साथ शादी नहीं। ठीक है, इधर इधर मैं चली वैसे अपनी महल को, तू अपने बक्ते करते रहो। चला लाएगा समय छाने महल आ गए बिठाम आ गए चला ले समाचार सुनाई कि सब सेना आया, मैंने सेना को मारपीट करके भगा दिया। अगर मेरे भाई साहब आते तो कम से कम हमसे मुलाकात करके वह आपस जाता। सच में वह बेस्या बोल करके गई है कि राज बापू से जितना सेना आया था सब सेना मेरे से आधा हार मार करके चला गया। सच बात है भाई साहब, बिल्कुल सच बात है।
किसी को पार पाने के लिए नहीं दिया हरम जाती। जब सेना सब हार मार करके चला गया है तो इसका मतलब है कि मैंने नटवर घर में लिया पेशिया के हाथ, मैं मर जाऊंगा। अरे रुद्र सिंह, मेरे रहते हुए पर तुम मर जाएगा, दुनिया का कोई ताकत तुझे नहीं मार सकता। अगर साला जमराज भी तुझे मौत ले जाएगा तो साले को जमराज के हाथ से तुम्हारा मौत उठा कर, लेकिन मुझे छुड़ा करके तो ले चलिए भाई साहब। रुद्र सिंह, मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। बहादुर पूछिए भाई साहब, मुझसे छुपाना नहीं, साफ साफ बताना। क्या तुम जो बेशक शादी की जो बात कर रही है, क्या बेशक शादी कर लिया है कि नहीं? अगर वह बेशक के साथ मैंने शादी कर लेता भाई साहब, तो वह बेशक मुझे कैद घर में बंद नहीं करके रखता। वह शादी के लिए बेशक पल पल में यह कैद घर आती है हमसे पूछने के लिए कि आप मेरे साथ शादी कीजिए, मैंने खोल करके आजाद कर देंगे। मैंने बोला वह बेशक के साथ जब तक मेरे भाई की तरफ से ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक बेशक तुम्हारी ऊपर मैं नजर उठा करके भी नहीं देखेंगे। अच्छा किया तुमने, तुमने शादी नहीं किया तो अच्छा किया, लेकिन रुद्र सिंह, अरे उस हरामजादी से कब तक मार खाते रहोगे? अब मेरा भी कोई यहाँ पर ये नहीं चल रहा कि मैं तुझे छुड़ा करके ले जाएंगे। ऐसा कर, बोलिए भाई साहब, अब तुम उससे हाँ भर दे कि मैं तुमसे शादी करने के लिए। नहीं भाई साहब, जो बेशक मुझे झाड़ू की मार मारी है, जो बेशक मुझे फट्टा चलाई है, क्या वो बेशक को मैंने अपने मालों की रानी बना लेंगे? या ऐसा नहीं होगा भाई साहब, इससे अच्छा है कि आप अपने हाथ के तलवार मेरे गर्दन पर चला दीजिए, लेकिन वह बेशक के साथ मैंने शादी नहीं करेंगे। रुद्र सिंह, अगर तुम शादी नहीं करेगा तो तुम इसके चंगुल से निकल भी नहीं सकते। अरे मैं इतना बेवकूफ है कि मैं अपने भाई को गड्ढे में डाल देंगे। मैं तुझसे क्या कर रहा हूँ कि शादी करके तुमको उसको घर बसा लो, ऐसा कभी नहीं होगा। रुद्र सिंह, उसके साथ हरामजादी के साथ बहाना बनाना पड़ेगा तुमको, झूठ बोलना का पड़ेगा तुमको। जब तक उस हरामजादी के साथ राजनीतिक नहीं खेलोगे तब तक तुम उसको काबू में से छूट नहीं सकते। कैसा राजनीति करना होगा बेशिया के साथ? रुद्र सिंह, राजनीति यही करना है, एक बार तुम उससे शादी का नाम बोल दे, लेकिन करना तो नहीं है, शादी नहीं करना, नहीं करना है। अच्छा, शादी जो हम हरामजादी हमारे भाई को इतना दिन से पिटाई के, उस हरामजादी को हम अपने घर के रानी बना, सिर्फ उससे शादी का हाँ कर, खुशी से झूम उठेगी, विभोर हो करके वो नींद में आएगी। धीरे से तुम अपना कब्जा, अपना जो सामान है वापिस तो ले ले, जादू का पुस्तक, नलक का हार, हरामजादी के सारा ताकत हीन हो जाएगी। जब ताकत उसका हीन होने के बाद तुम्हारे हाथ में जादू का पुस्तक आ जाएगा, और आने के बाद तब उससे बदला ले, इतना मार मार, इतना मार मार हरामजादी को सर्दी करके उतार दे, और बंदी बना करके दोनों हाथ में हथकड़ी डाल, उठाकर ले चल राज महोबा, उस हरामजादी को माँ दुर्गा के मंदिर में जाके बलिदान दे दे। ठीक है भाई साहब, वह पेशा के साथ मैं तुरंत हल कर लेता। अच्छा, तो फिर उससे राजी हो जा शादी के लिए। ठीक है, मैं बेशक को बुलाता हूँ, आप छिप करके बैठ जाइए। ठीक है, अरे छिप के बैठे अल्हा बबुआन, छिप के बैठे हो अब बनसार में। सुनो ले रजिया बेशिया के हमार, ये कबेरिया जो बेशिया तू के पार Yeah.
या पानी पियोगे? आज बेशक तुम्हारी हाथ से मैं सब कुछ खाएंगे। सब कुछ खाएगा, खाना भी खाएंगे, तुम्हारी हाथ से पानी भी पियेंगे। और साथ साथ मैंने सोचा कि कब तक तुम्हारी हाथ से मैं मार खाते रहेंगे। मेरा सब सेना तुमसे हार मान करके चला गया तो हम बच करके क्या करेंगे? इससे अच्छा है बेशक कि चल आज इसी बात तुम्हारे साथ मैंने शादी कर लेता हूं। शादी कर लेगा? हाँ। इतना दिन से मैंने तुम्हें इतनी पिटाई की, पिटाई करने के बावजूद भी तू हाँ नहीं बोला, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि बिल्कुल तुम अपने यार। इसलिए मैंने हाँ नहीं तुम्हारे साथ किया। मैंने सोचा कि मेरी राजमहबा का छत्र तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेशा। तूने सबको मार पीट करके ये नटवर किला से वापस लौटा था। पता तुम्हें चल गया? चल गया है। इसलिए बेशा जितना जल्द हो शादी की प्रबंध तैयारी कर ले। इतने रोज तक मैंने तुम्हें भूखी रखी, खाने पीने के लिए भी बंद कर दी, पिटाई भी की, भरपूर पिटाई की मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने शादी का हाल नहीं बोला। जब भी मैंने बोलती थी शादी के बारे में तो बिल्कुल ना कहता था, लेकिन अचानक आज तुमने कह दिया। शादी के बाद मेरी मन खुश हो गई है। तो चल अपने माँ बाप को बोल अंगना में मड़वा तैयारी करने के लिए। माँ बाप को बोल जितना सखी सहेली है सबको तैयारी करने के लिए। सभी का सभी मैंने अभी सूचना दे देती हूँ, लेकिन देख अभी भी तो शादी का हाँ मैंने बोल दिया। हाँ तो मेरे हाथ का झंझट तो तुमने खोल। सादिया
बाबे सुना ले ये अर्जी हमार चला तू तैयारी बस करियो दरबार तुमसे मैंने शादी कर लूंगी लेकिन एक मेरी शर्त है इतने रोज तक मैंने तुम्हारे सर पर तुम्हारे शरीर पर पिटाई करते करते मेरी हाथ थक सैकड़ों बिजली का कोड़ा चलाया मैं भी थक चुकी हूँ अभी लगन का टाइम नहीं है लगन का टाइम सिर्फ दो तीन घंटा के बाद तब तक मैं आराम करती हूँ तुम मेरा पहरा करोगे पहरा करते करते जब समझ जाना कि अब लगन आ गया है तो तुम मुझे जगा दोगे मेरी मांगों में सिंदूर डाल दोगे कहल के लड़का लड़की जब राजी है जने त लगन का की हेरे लागे छे जब हमे तू शादी करे ले राजी छे त चल ले गांव में करबे मंदिर में का लेबे ले मंदिर में करबे चल ले कोठे में रेस के रे मूर्ख राजा तोरा त दिमागे न छे मैं तोरा बाप अखनी बिना लगन के बियाह का लेबी बदरा है तो नंगरा खोरा कन्हा कतर सब बदरा है एकर मतलब तोहर कर्तव्य खराब छ नहीं रे हमर बात पहले सुन बिना लगन के बियाह कर भी बदरा नांगर है तो लुल्हा है तो खड़ा है तो बहीर है तो अनर है तो लगन में बियाह कर भी तो सुंदर बेटा है तो हमरा सुंदर से नहीं मतलब छे हमरा शादी करे सब नंगरे लुल्हा बच्चा लग रहा भी कुछ हो है तो नंगरे लुल्हा है तो तोरा तो मतलब नहीं है रहा तो मतलब तो मोगी के रहते मोगी केना बदरा के संभालते मैं आराम करती हूँ ठीक लगन के समय में मुझे जगा दोगे और सिर्फ यही कह दोगे कि वैसे लगन का टाइम हो गया है चल उठ शादी कर चल हाँ बैठूंगी घूंघट मार करके तू मेरी मांगो में सिंदूर डाल दोगी हाय 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 चल ठीक है तुम जैसे जैसे कहेगी मैं वैसा ही करूंगी तब तक मैं आराम करती हूँ ठीक है कर हा दुर्गा माई गए चल सभी आगे छौरी लाली सेज पलंगिया पर अरे है गई देवी बाबा सगत ही नाम दे रही हा देवी अम्मा चारों पर रखी ना माया के माना सके हमरा हम तो
पूजा सन रखी आई ना बेसिया शादी का नाम सुन करके झूम करके पलंग पर सो गई। अगर मैं अपने धन में अगर अपना चोर नहीं बनेंगे तो बापू उधर से नटवर घर से छूट करके राजमोहन नहीं जाएगा। जा रहा हूं वह बेसिया के पलंग पर, वह बेसिया मेरे भाभी का जादू का पुस्तक अपने सर के नीचे दबा करके सो गई है। किसी तरह से वो मेरी भाभी का जादू का पुस्तक मेरे हाथ हाफ जाए, फिर बेसिया का शादी का मजा चखा देंगे कि क्या सा शादी। दुर्गा माई के बेसिया के पला चार है बाबुआ, हा बाबुआ के रुदल सिंह मैया चारा पे
शादी के रचल के पसिया उगे नाट बार में बेशा क्या ढूंढ रही है तुम एगो सिरोना सामान रख ली लेबो कलो कौन सामान रो थ्री नटा की पिस्टा वो दोनों चीज सब बरकार है बेशा जो सामान तूने ढूंढ रही है वो सामान नहीं मिलेगा आकाश में ना मिलेगा पाताल में वो सामान है बाबू रुद्र सिंह का साथ आया मेरे पास दादा ने वो सामान तुम्हारी हमरे रे दादा ने दादा हो बेचारे जिस जादू के बल पर तूने मेरे सारे सेना को तबाही मचा दिया आज वह जादू का पुस्तक मेरे हाथ लग गया अब मैं तुम्हें तबाही गुजार दूंगा लेकिन हमरा जबरदस्ती
समय रे की ब्याह करे वाला मोन रहे आप की ब्याह करब नहीं करबे जा कते जा रे देवा रे अनुराग छ रे बसखिया देवा अरे बसखिया रे एकरे यहां छे या ऊ तो चला छटिया छ की बोले हो इधर तो दुर्मा को क्या हला खर्चो मार ए आई लानरा एगो अनुराग एगो बहरा रे जरा फिर रे तुम्हारे चौक माने लड़के पसंद किया कौन लकड़ी ले लो से सम लड़की रे लड़की तुम उसको पसंद कर अगर तू उसको हां बोल दिया हां नहीं करके तुम्हारे साथ शादी करवा दूंगा कहां फोटो खींच ले फोटो आओ ठाकुर ठाकुर हां ई त लथार मारे छ रडवा सबसे पहले इसको फोटो खींच कैमरा वाला कठली तोरे में छो फोटो खींच फोटो खींच YouTube पर डाल फोटो खींच उठा कर जान का अच्छा क्या हो रे जान का अच्छा हमरा पसंद है मजाक करती आ रही हो हमरा तुमको मजाक करने का नहीं कर बार तरस के कर तो दिया आ तरस के करे ले बैठो ए हो भैया ई त नठे छे ए रे हम बियाह नहीं करबे आ हमें करबे ना करब आ जबरदस्ती करब हमें तरह से बियाह नहीं कर भैया ए हो आप जे भले से भाग ले सब बात को भूल जाओ शादी कर ले बेसे अगर शादी नहीं किया मारते बिजली का कोड़ा से ई चरबी जो चढ़ गई चरबी टोटल उतार करके जमीन पर रख देंगे नहीं कह दिया पहले ब्याह कर ले बस क्या रे नहीं करबी तो बिलासी भैया का था आओ तारिए बेचते नहर पर तोरा की मन में छ उसको कनखी जो मारा आंख रे नहीं हो कनखी का हम नजर मार मार हे रे चुनो रे चलिए क्या लई रई थी नहीं चारा लई रे शादी करेंगे चले जाओ मार्केट का तैयारी कर लो हम नहीं करेंगे हमरा बदला में देवा करेगा ओकरा से नहीं करबो ब्याह तो किससे करेगी तू करबी हमरा से का लबो नबे नहीं करबो ब्याह हमसे शादी करेंगे पक्का का लबो चल ठीक है की बोलेगे तू मां कह छी हम मैं त सेंट मार छी सेंटे मार तने तरस करबो नहीं कर जे सेंट लगबे ओकरा से नहीं करे ओ भैया हमरो न फसा अच्छा ऐसा करे हाँ बोल कैसे शादी करेगी तुम शादी करोगे हाँ करेंगे तो अभी बलवा बाजार कहाँ बलवा बाजार अच्छा बलवा बाजार में सबसे सुपर जो कपड़ा का दुकान होगा जो अच्छा कपड़ा का दुकान होगा उससे उसमें से सुंदर सी साड़ियाँ ले लेना अच्छा वह साड़ी लेना सिंगार का सामान लेना सिंदूर ले लेना जो भी विवाह की सामान होती है सब ले मतलब शादी का जो भी जितना भी सामान होगा सारे सामान खरीद ले लेकर के चले जाओ मैं हाजिर हूँ शादी करने के लिए गया देवा जाने के लिए माल बलवा बाजार से यही पदवा पता होने आल घुरे छे देखने छी चार लात मार वो ठीक ठाक है हरम जादी सब हक दादी अरे हरम जादी से तोरा दादा बहुत छी हम हां परदादी भेली परदादी छी अरे पदवा पता देशिया के सुनो ले यार राजिया देशिया के हमार देव पाल दान देशिया के माता दुर्गा Yeah.
चल सारी कॉल पर हेलो ए बोलो पिन्हा देने के लिए ए बाबा जा हमरा लाज लाग गेल अब सारी पिन्हा हो पिन्हा दो बिया करबो त सारी न पिन्हा तो है पिन्हा दे की फरक सकर हां तुम सारी पिन्हा दो ठीक है तुम्हारे साथ शादी करवा देंगे सारी आगे पीले प्यासिया के नगरा मन के लाली सा प्यासिया में तैयार तोरा के करते दौड़ी मटा गया जमाना है दोनों कर दीदी का चल मो बाबू के यहाँ बार पतिया
ते भाभी जी। अच्छा से पिना दीजिए, ये तुम्हारी बाप का नौकर है, वो बता देगा आप पिना दे। इधर आ तुम्हें सारी पहना अगर सुन सुन ए तोरा नानी के ढोला पड़ा दो बिया ए सुना तो भरुए छो अंगराज के बिया करे ले कोई नहीं चाहे अंगराज से बिया करती तो बरगाई बाय कर गाड़ी के गाड़ी उठा लेती है। ऐसा कर तुम इसको साड़ी पहना दो, चल तुम्हारे साथ हम इसका शादी कर देंगे। बता दे ये तोरा बता दे छिया मार दिया रे रसगुल्ला घुमाए के मार दिया रे रसगुल्ला घुमाए बाजा वाला बंद करेगा ढोलक बेटा चुप 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 रुका अखन दुलीन के साथ बैठिए अरे ये क्या कर रहा है डिबा में डिबा जोड़ लिए हैं यार यार नाथ अरे साड़ी पहना दो उसे साड़ी पहने बा तोरा जगह हम लोग के भरवा छे ओ सुन लाए गो एगो बात मानपुर के लोग ये देखो जे नीच काम करे छे मोगी के साथ ही में छे भैया अरे आ बाबू वाह बात कर छे तू दुनिया का आदमी को क्यों पहचान ले कह छे एगो बात बतबै छी एहन काम ले कोरिया कर जे मोगी के साड़ी पिनै है सबसे नीच कर्म यह भेले रे देवा इसको साड़ी पिना दो इसको ले चलेंगे दुर्गा माँ के मंदिर में बलिदान देंगे। अच्छा दुर्गा का हां बजा दो बजा बला रे देवा हे रे सुनो ले देवरिया भैया रे हमार मन के लाली साथ ले बाबे ताके पे सिया किसको इसको भी नहीं आ रहा हमको नहीं आ रहा पिला दो तो पिला चल चल दे साड़ी पहन चल तुमको शादी करके ले जाएंगे अपने घर। ये हो ये बात कहिया तो लार के लागबो करता क्या अखे तक जे नाच देखे छो एक तो लाज एकरा नहीं छे जे अखे तक नाच करे छे लेकिन मोगी के भरुए छे बाप रुका ना रुका जबरदस्ती करे आप तक मोगी एते बच्चा हमरा में छथि मारत मारत हरमदारी के दिलाए में तक खत्म का बिस्का देखिए मार पाओ रुका रुका ऐ बा मौगी के गलती छे कि मातवा गलती छे रुका इसमें तुम्हारा गलती है हम मेरा कैसे गलती है आज मैं बता देते ए देख लो बुड़बक नंबर क्या को है छो कितना होता सौ पर वो बुड़बक सौ भेखो को नहीं बच सुना बुड़बक नंबर एक जय एक न
एकना सो एकना ढपा दे छ फेक बुढ़बक न मदू जे बिना छान के दू है छा दू बुढ़बक न मती जे मैं बाप छ धीर बो काती हे रे हो गया तुम धीरे धीरे बहुत आगे जा रहा बुढ़बक न मर चाय जे दिन रात बहुत से खाय छ मैं नहीं तो रहता छ बाप बुढ़बक नंबर पांच जे बिना टका के अखे तक महानपुर बार देखे छो नाच बुढ़बक नंबर छो जे बुने के गहूम बुन दे छो जो बुढ़बक नंबर सात जे खाए के रोटी खाए छो भात आ बुढ़बक नंबर आठ जे बुढ़ारी में गला में बार आठ आ बुढ़बक नंबर नौ जे सेंदे कटवे छ नौ बुढ़बक नंबर दस जे बहु अक्षाई बस हेवे अब तुम कितना नंबर का देखो तो हम छिया बुढ़बक नंबर 12 अच्छा अच्छा अब बहु के छोड़ के साइड के खेदा मर जा भयो मर जा लगा या साली के पास आ ये छटकी साली करियो जाबा ए रे फिल्म गावे ले की नाच करे ले ली तोरा बहिन के इने ठके का तरह बहिन के चल जल्दी कर ए बच्चे दी सुना तोरा उने पसंद छ त हमरे से बियाह क्या ले एके रात खाती क्या ला मु त हम भाड़ा पर उठा के ले लिया हमरा से मुबद के मानपुर के कर दी छे उसे आई मतलब हमरा खोजली छे नहीं बढ़िया किया हमरा मुंह पर तो देखे जो पीछे पीछे बुढ़वा आ गिरे छे तोरा नहीं बढ़िया लागे छ है चल जल्दी कर जल्दी कर अपने से पिला दे कहीं पिला दे हमने नहीं पीलवा एकरे को पिला दे मन के के लाला सा प्यासिया के की हो मन के लाली सपसियामी तई बौना अपने से मिला दो अब नहीं कर मिल बात तो जल्द करा मन छटपट है छे लड़कियों के छटपट है मन छे जल्दी के पीला के प्यासिया मोहब्बत के राज मोहब्बत के राजा प्यासिया जय जय नाता पारस संग गेला कन जय बाबा जब हेरे सुन ले दे बरिया हमार चल दी चल रे देवा तुर ना तपार से जब हेरे सुन ले दे बरिया भैया न ओढ़ी ओढ़ई भाई भैया छोटकी भाऊजी के दुपट्टा छे दुपट्टा नवकी कनिया ने भले ए भौजी भैया भौजी हर जा भैया भौजी हर जा सब दिन चमरवा से करे चलना भैया भौजी हर जा सब दिन घर में ते करे चलना भैया
अपना जे खाचा भैया की क्या खाती है की क्या अपना जे खाचा मटकी खुआ अपना जे खाचा खुआ अपना जे और है अरे चुप रे धीरे धीरे बजा धीरे धीरे पार बेटा पार ठकेता पार बजा अपना जे और है साल हो राजा साथे में बुढ़िया के खटरी धरा सबरी ना बुढ़िया से पर चल रहा भैया भौजी हर जा सबरी ना बुढ़िया से पर ओपा बुढ़िया के बार दुख दे छे नहीं ला जा माय के बार दुख देता ए चलो लई गए छोरी गैया बना सता सुगरार चल ले है गो सबिया छोरी गए यमना सासुरार चल 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 भाग महबा हो रहा माया है तू बैठा भाभी नगर महबा में चल गए सबिया गे महबी गे राज चल गए सबिया आइए परमागरी ग्राम में सजरा मेरे नौजवान साथियों जो भी मेरा प्रोग्राम था अब यहाँ से खत्म हो चुके हैं आप लोगों से विदा लेती हूँ जो भी रात में गलतियां हुई होगी उसे आप अपना गोद का अबोध बालक समझ करके क्षमा करेंगे जय जय रघुपति राघव राजा राम पति से पावन सीता राम जय जय रघुपति राघव राजा राम पति से पावन सीता अभी हमने रात में रात भर जो कार्यक्रम देखे हैं या प्रोग्राम का आप घर बैठे भी आनंद उठा सकते हैं जैसे कि सुरीला भोजपुरी चैनल के माध्यम से आप अपना घर बैठे प्रोग्राम देख सकते हैं नोट करें सुरीला भोजपुरी चैनल सुरीला भोजपुरी चैनल याद रखें YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं सुरीला भोजपुरी चैनल जो भी प्रोग्राम आज श्री आनंदी नाट कला परिषद का आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो सुरीला भोजपुरी चैनल YouTube के माध्यम से आप अवश्य देखिए।